भाई उठ गई बाइक पूरी। यही डिसएडवांटेज है नेकेड बाइक का। ये दोनों चीज तो केटीएम वाले मतलब कि एकदम बढ़िया बना के देते हैं। ओ भाई भाई बच गया ये। ओ हो गोस्ट है। शाबाश। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीजी मोटो व्लॉग। गोप्रो का चार्ज ना उतारते हुए हमने प्लान बनाया कि हम इस्कॉन जाके ही वीडियो शूट करेंगे, केटीएम की टेस्ट राइड लेते हैं, तब हम वीडियो बनाएंगे। इस्कॉन पे मिलता हूँ। इसका बाइक भाई बहुत ही हल्का फुल्का है, कहीं पे भी घुस जाता है। भाई आपकी कौन सी लेने की आपकी इच्छा है? दुख लेना है आपको? कोई नहीं, भाई को दुख लेना है तो उनको दुख देते हैं। तो बहुत दिनों से R15 लेके बहुत सुखी सुखी चल रहे हैं, तो इनको फिलहाल अभी थोड़ा दुख दिया जाए। एडवेंचर है, ड्यूक है, RCS सबके टेस्ट ले लेंगे, जो पसंद आए वो बुक करेंगे, वरना फिर यहाँ से चलते बनेंगे। तो अभी फिलहाल 390 कोई भी वेरियंट में अवेलेबल नहीं है टेस्ट राइड के लिए। तो 390 में यहाँ पे है, अगर आपको देखना है तो अवेलेबल है। और ड्यूक 390 अवेलेबल नहीं है, एडवेंचर 390 अवेलेबल है देखने के लिए। कोई नहीं, अभी 250 की टेस्ट राइड लेते हैं और RC 200 की भी टेस्ट राइड लेते हैं, क्योंकि भाई को थोड़ा कन्फ्यूज़न है दोनों में, दुख लेना है या फिर RC लेना है। तो ये है 250, अभी जा रहा है मेहुल, क्योंकि हमको भी इच्छा तो ड्यूक की टेस्ट राइड की है। RC तो वैसे भी चलाई हुए, मैं भी PS3 जो वर्जन था वो वाला सबसे पहले वाला वर्जन वो भी मैं ओन करता था, तो RC का तो उतना मुझे इच्छा है नहीं, पर ड्यूक की इच्छा है तो वो लेके आता है, उसके बाद मैं भी जाता हूँ। और एडवेंचर भी है 390 टेस्ट राइड के लिए अवेलेबल, बट एडवेंचर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर टेस्ट राइड लेके क्या मतलब। मेहुल आ चुका है। मेहुल ने एक बात बोली मुझे कि भाई तू एक बार चला के आ, तो पावर है ना भाई इसमें, तो फिर पावर थोड़ा टेस्ट करते हैं। ओ छोटे स्ट्रेच में भी पावर तो दिखाई दिया इसने अपना। फ्यूल रेंज 90 किलोमीटर, सिर्फ दो पॉइंट में 90 किलोमीटर की रेंज, बढ़िया है। मुझे दो मामलों में तो KTM बहुत ही पसंद है भाई, एक पावर और दूसरा ब्रेकिंग। KTM जितना पावर देती है ना उतना ब्रेकिंग भी उतनी ही अच्छी देती है। पावर देखते हैं इसका। हेलमेट करते हैं बंद। ओ भाई मेरे पास 390 थी, BS3 वर्जन, वो जो 390 थी ना उसके जितनी पावर मिलना इम्पॉसिबल है किसी भी KTM के वर्जन में। तो चलो अभी थोड़ा लेते हैं स्ट्रेच। आप लोगों ने भी देखा होगा कि फिर मैं जब गियर चेंज करता था ना तो मेरा हैंडल पूरा एक दो बार वॉबल हो चुका, और यही डिसएडवांटेज है नेकेड बाइक का। नेकेड बाइक स्पीड पे जाती है ना, हाई स्पीड पे, फिर उसका कंट्रोलिंग थोड़ा मतलब बिगड़ता है। पावर के मामले में तो मुझे ये बाइक ने दीवाना बना दिया है। देखो भाई चौथे गियर में भी बाइक क्या उठ रही है। ब्रेकिंग के मामले में भी भाई, ब्रेकिंग का तो मैंने चलाने से पहले ही बोल दिया था आप लोगों को कि KTM में मुझे ब्रेक्स और पावर ये दोनों में बिल्कुल भी शक नहीं है। ये दोनों चीज़ तो KTM वाले मतलब कि एकदम बढ़िया बना के देते हैं। और भाई हैंडल के मामले में बोले तो भी बहुत ही बढ़िया है बाइक, बहुत ही स्मूथली कट कुट हो जाती है अपनी। ओ भाई भाई बच गया ये। अभी वो निकल जाता, उसके साथ साथ मैं भी निकल जाता। भाई KTM के मामले में थोड़ा अपना फिलहाल के लिए थोड़ी डर है अपने अंदर, और होना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल मशीन है। मज़ा आ गया भाई। मैं एक ही बात बोलूँगा, जिनको नेकेड पसंद है, स्पीड भी पसंद है, वो लोग ले सकते हैं 101%। मेहुल
200 की रेस राइड लेके आया, वो बोल रहा है कि भाई R15 की जैसे लग रही है अपनी, उससे भी अंडर पावर लग रही है ये। तो मैं बोला भाई फिर तो मुझे इसकी टेस्ट राइड नहीं लेनी है, क्योंकि भाई 250 चलाए फिर 200 चलाएंगे तो मूड पूरा ख़राब हो जाएगा यार। तो इसीलिए हम एडवेंचर 390 की टेस्ट राइड, एडवेंचर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो एडवेंचर कभी चलाई भी नहीं यार मैंने, आज फर्स्ट एक्सपीरियंस है अपना। वैसे भी मेरे पास 390 थी पता है तुझे, ओल्ड वाली BS3, उसके जैसी पावर तो किसी भी मॉडल में नहीं है भाई अभी के। ओ भाई साहब बहुत हाइट वाली है भाई, काफी ज्यादा मोड भी इसके अंदर है, ऑडियो देख लो, मोटरसाइकिल KTM माई राइड उसके अंदर आप ब्लूटूथ पेयर करके नेविगेशन भी कर सकते हो, मोटरसाइकिल देख लो, ABS ऑन ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, किक शिफ्टर ऑन ऑफ। अच्छा तो भाई ये बाइक तो इतनी बड़ी लग रही है ना जैसे कोई टाइगर वाइगर चला रहे हो, लिटरली भाई टाइगर जैसी फीलिंग आ रही है ये बाइक की। ओह भाई क्या कंफर्ट है ये बाइक में, एडवेंचर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो एक यहाँ से छोटी लगती है इसका टैंक और वो, लेकिन जब आप यहाँ से पकड़ते हो ना तो इस बात से इसके ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना वो बहुत बड़ा दिखता है। मिरर्स ठीक ठाक है, हाँ अंकल देख रहे हैं कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है बाइक लेके खड़ा होकर अकेले बात कर रहा है। ओ भाई उठ गई बाइक पूरी, ओ भाई ओ भाई, अच्छा हुआ भाई RC की टेस्ट राइड ले ली हमने। ए हैंडल क्यों वॉबल कर रहा है इसका, RC 200 की टेस्ट राइड नहीं ली हमने, अच्छा हुआ भाई। क्या पावर है बाइक पूरी उठ रही है, ओ भाई 100 तो ये खेलते खेलते टच कर लेती है, और हैंडलिंग में भी बहुत ही स्मूथ है बहुत ही। भाई मेहुल को बाइक लेनी है, कहीं मेहुल लेना ले, मेरा दिल इस पे आने वाला है मुझे लगता है। एडवेंचर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो खींचते हैं, ये तो खेलते खेलते जा रहे हैं। पर भाई ये हैंडल इसका बहुत ही वॉबल कर रहा है यार, अभी टेस्ट राइड व्हीकल है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है या फिर ये बाइक में ही मतलब ऐसा ही आता है, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा वॉबल कर रहा है हैंडल इसका, जैसे ही एक्सलेट करता हूँ ना बाइक पूरी ऐसे ऐसे हिलती है। बाइक थोड़ा है थ्रॉटल देता हूँ पूरा मुझे पीछे फेंक रही है बाइक, वो भाई तीसरे गियर में, ओह भाई जस्ट खाली मस्ती मस्ती में भी इसको घुमा दो ना तो भी भाई ये बोलती है नहीं मैं तो उड़ेगी, मैं तो उड़ने के लिए ही बनी हूँ। भाई ये बाइक 100 पहुंचने में तो जरा भी सोचती नहीं है, इसके पास लाज शर्म हया वया कुछ है ही नहीं, थोड़े थ्रॉटल में 100, साला कोई बैठा है तेरे ऊपर उसके बारे में थोड़ा सोच। वैसे इतना भागती है तो ये खाती भी उतना ही होगी, कितनी है इसकी रेंज, फ्यूल रेंज 150 किलोमीटर, फिर भी 3 पॉइंट में 150 मतलब कि 20-25-30 के अराउंड होगी। उठिए उठिए, ब्रेकिंग के मामले में तो कोई इसको नहीं पहुंच सकता, क्या बात है। एग्जॉस्ट नोट भी भाई एकदम बहुत ही बढ़िया, पूरा पटेली वटेली मारने में तो अपन को मजा ही आ जाए यार, ऐसे बाजू में जाओ बस इतना करो, लोग पूरा घूम घूम के देख रहे हैं मियां अपन को, बोल रहे हैं भाई इतनी बड़ी बाइक लेके इतनी तेज से कहां जा रहा है, हवा के माफिक चल रहा है भाई ये तो, क्योंकि अपन के पास तूफान है
तो अपन हवा के माफी दौड़ रहे अभी रोड पे भाई, हट जाओ मियाँ उड़ा देंगे, पुर्जे उर्जे भी हाथ में नहीं आएंगे। आ इसको और चलाने का मन था हमारा, पर अपनी बाइक है नहीं भाई, तो बाइक तो वापस करनी पड़ेगी ना, वरना मैं इसको पूरा दिन चलाऊँ। सिटिंग पोस्चर बहुत ही कंफर्टेबल है इसका, क्या मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जब भगा रहा था ना तो हैंडल पूरा वॉबल हो रहा था। तो शायद अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो आप दिखा देना, टेस्ट राइड व्हीकल है और कोई लेके जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो मियाँ भाई बहुत ही मज़ा आ गई भाई, क्या बाइक है, पूरा मतलब कि बॉडी का सिस्टम हिला देती है। एडवेंचर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर तो टेस्ट राइड सबकी हो गई है, अभी निकल रहे हैं घर के लिए। और ये देख लो, ये है पूरा सभी बाइक की प्राइस है, ऑन रोड क्या क्या है। आप वीडियो पॉज करके आपको देखना है तो सब डिटेल देख सकते हो, और कोई अगर आपकी क्वेरी है तो आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हो। इस्कॉन KTM सर्च करोगे तो ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। तो अभी 400 सीसी की बाइक चलाने के बाद आते हैं हमारी धंधों पे। तो चलो पे 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 सेल भी चालू नहीं है। और भाई मुझे तो सच में बोलूँ ना तो दिल से मुझे एडवेंचर 390 पसंद आ गई है। एडवेंचर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो शायद मैं वीडियो अभी एंड ही कर देता हूँ, क्योंकि अब हम लोग कहीं पे जाने नहीं वाले हैं। और तो चैनल को सब्सक्राइब करो आगे वीडियोस देखने के लिए, वीडियोस पसंद आया तो लाइक कर दो यार, इतनी अच्छी अच्छी बाइक्स दिखाई है फिर लाइक तो बनती है यार। आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा है, इतना एफर्ट दे रहा है, तो यार इतना सपोर्ट तो आप कर ही सकते हो, और कुछ आपसे मांगता नहीं हूँ मैं। इसी के साथ मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी स्टे फिट स्टे सेफ, हाउ जो टाटा, बाय बाय।